वोल्टेज साइन का फंक्शन है। जब कोई भी वोल्टेज करंट कुछ भी साइन या कॉस का फंक्शन हो तो आप इसको कहते हैं साइनोसॉइडल, है ना, ये साइनोसॉइडल है, साइन या कॉस का फंक्शन है, यानी अल्टरनेटिंग है। साइन का ग्राफ आपको पता है ना, आधे समय प्लस तो आधे समय माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इस वोल्टेज को हम जिस सिंबल से दिखाएंगे वो सिंबल हमारा ऐसा रहेगा, ऐसा ये हम लिखवा देंगे अलग से। कभी भी अगर आप बैटरी बनाने बोलेंगे अल्टरनेटिंग, तो आप ये वाला मत बनाएगा, ये डायरेक्ट करंट के लिए बैटरी था और ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए बैटरी, और ये ऐसा ईएमएफ देगा, ईएमएफ या वोल्टेज, इसको आप कहते हैं पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज या पीक ईएमएफ। आप इसको ई के टर्म में भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला याद होगा, ई नॉट क्या था, या वी नॉट एन बी ए ओमेगा, लास्ट क्लास आप किए होंगे, तो मैं तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अभी रिकॉर्डिंग डाली नहीं है। तो आप इतना समझ चुके थे, आज हम लोग बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो एक जब ऐसा वोल्टेज, जब वोल्टेज ही अल्टरनेटिंग है तो करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। तो एक ऐसा करंट जो अपना वैल्यू एक टाइम इंटरवल के साथ बदले, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कुछ खास अंतर है, वो अंतर क्या क्या है आपको भी पता है। ज्यादा खतरनाक कौन लगता है आपको, अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट, खतरनाक कौन सा है, पहला सवाल आपके मन में ऐसा उठता होगा। दूसरा, अल्टरनेटिंग करंट को क्या डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, दूसरा सवाल, क्या डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूर तक किसको भेज सकते हैं, डायरेक्ट करंट को या अल्टरनेटिंग करंट को, केमिकल इफेक्ट किस करंट में होता है, किसमें नहीं होता है, अल्टरनेटिंग करंट में। केमिकल इफेक्ट जानते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप जितना भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस वाला आप डायग्राम बनाते होंगे, सब में आप डायरेक्ट बैटरी बनाते होंगे, ये वाला नहीं बनाते होंगे अल्टरनेटिंग वाला। तो इस तरह कुछ आपके पास भी उत्पटांग सवाल उठे होंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, जो भी व्हाट्सएप में आएगा हम वो देख लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कुछ इस चैप्टर का इंट्रो लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा अल्टरनेटिंग करंट। लिखिएगा, अ करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग, अ करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ, जल्दी जल्दी लिखिएगा, थोड़ा बैठ के लिखवाते हैं आराम से, हम बोल रहे हैं सुनते रहिएगा। A current is said to be alternating if, point wise है, number one, दो ही point है, number one, पहला, a current is said to be alternating if, पहला point, its amplitude is constant, पहला point, its amplitude is constant, और दूसरा point, इसका alternate cycle positive और negative हो, alternate, दूसरा पॉइंट नंबर टू, अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पहला है इट्स एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, दूसरा अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक स्टार मार के लिखिएगा, एक स्टार मार करके लिखिए, If the current or voltage, if the current or voltage varies periodically, if the current or voltage varies periodically according to sine or cos function, if the current or voltage varies periodically according to sine or cos function, according to sine or cos function, the current, फिर से बोलते हैं, रिपीट कर देते हैं, अगर रिपीट करना हो तो आप हाथ रेज कर दीजिएगा जब भी आपको ऐसा लगे तो, इफ करंट और वोल्टेज वैरीज पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू साइन और कॉस फंक्शन कॉमा, इट इज कॉल्ड साइनोसॉइडल करंट या वोल्टेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड साइनोसॉइडल। अब लिखिएगा सम फैक्ट्स अबाउट एसी, जो आपको कुछ हम पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, जैसे ये पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछता है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेज ऑफ एसी, उसमें भी इसको आप इसमें से पॉइंट लिख लीजिएगा, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेज, उसमें से भी इसमें पॉइंट निकल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, उसमें भी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा हेडिंग सम फैक्ट्स अबाउट एसी, पहला पॉइंट, सम फैक्ट्स अबाउट एसी में पहला पॉइंट नंबर वन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी के बारे में, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी डायनेमो और जनरेटर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी डायनेमो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी डायनेमो और इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी डायनेमो और इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, ये भी आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी डायनेमो और इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर एंड रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ, बता सकते हैं ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? जवाब है रेक्टिफायर। रेक्टिफाई का मतलब ही होता है सीधा करना, डीसी करंट ऐसा हुआ राइट करंट और एसी आपका ऐसा हुआ। एसी को आपको अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। लेकिन क्या आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे घरों में एसी आता है, पता है ना आपको, सब डिवाइस हमारा जो भी आप चार्जर कुछ भी यूज करते हैं, हाँ कुछ ऐसे चीज है जो कि डीसी में भी काम करता है एसी में भी, लेकिन कुछ ऐसे आपके घर के डिवाइस है जो सिर्फ आप सिर्फ एसी में ही काम करेंगे। खैर, एसी को डीसी में आप कन्वर्ट करते हैं बाय रेक्टिफायर, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं बाय इन्वर्टर। इन्वर्टर तो है आपके पास, तो लिखिएगा पॉइंट नंबर दूसरा आता है, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, एसी कैन बी, इसके ओपन है भाई, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। एसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर व्हाइल डीसी इंटू एसी, व्हाइल डीसी इंटू एसी विद द हेल्प ऑफ एन इन्वर्टर। एसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, तो बैठ के लिखवाते आराम से, व्हाइल डीसी इंटू एसी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। होता क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जितना भी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वो एसी से नहीं हो सकता, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, क्योंकि इसमें आपको आयन को मूव करवाना पड़ता है और आयन का इनर्सिया ज्यादा होता है, इनर्सिया पता है ना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्सिया, आयन का इनर्सिया ज्यादा होने की वजह से वो एसी का पाथ फॉलो नहीं कर पाते हैं, डीसी का पाथ फॉलो कर पाते हैं। तो जितने भी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वो एसी से प्रोड्यूस नहीं किया सकते हैं, जितने भी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वो एसी से प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। तो अगला पॉइंट यही है हमारा, लिखिएगा अगला पॉइंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एसी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एसी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एसी। ब्रैकेट लिखिए एग्जाम्पल में कौन कौन सा इफेक्ट, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटसेट्रा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एसी, ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ब्रैकेटोज, उसी ब्रैकेट का आगे लिखिएगा कारण भी इसका, एग्जाम में पूछता है कि अल्टरनेटिंग करंट से केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का नहीं शो कर सकते हैं, तो जवाब आपका यही होगा एज, क्योंकि इनर्सिया आयन का ज्यादा होता है और ज्यादा इनर्सिया के चलते आयन जो है वो एसी का फ्रीक्वेंसी फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे उसका पाथ है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। एज ड्यू टू लार्ज इनर्सिया आयन्स कैन नॉट फॉलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एज ड्यू टू लार्ज इनर्सिया आयन्स कैन नॉट फॉलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, आयन्स कैन नॉट फॉलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। नंबर अगला जो भी होगा, दो या तीन होगा, जो भी होगा, तीन या चार जो भी नंबर होगा, नंबर नेक्स्ट नंबर फोर होगा, पहला तो था वो, दूसरा हाँ नंबर फोर
एसी की एक बड़ी अच्छी खासियत है जो कि डीसी की खासियत नहीं है। एसी की खासियत है कि एसी को आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग करंट को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज घटा भी सकते हैं। डीसी में ये फिनोमिनन नहीं, क्यों नहीं है, ट्रांसफॉर्मर में बात करेंगे। फिलहाल एसी को आप स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। लिखिएगा, इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, और किसकी सहायता से, ट्रांसफॉर्मर की सहायता से, ट्रांसफॉर्मर में एसी ही आता है। इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। With the help of transformer, खुशी रिपीट करने बोले हैं, इट कैन बी स्टेप अप, STEP, इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बट डीसी कैन नॉट बी, बट डीसी कैन नॉट, but DC cannot. Next, but DC cannot. Next, आपको पता है AC ज्यादा खतरनाक है कि DC? आपको क्या लगता है ज्यादा खतरनाक? अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन है, तो आप में से कितने लोग बोलेंगे ज्यादा खतरनाक AC है? हाथ उठाए, कितने लोग बोलेंगे ज्यादा खतरनाक AC है, DC खतरनाक नहीं है? ऐसा कितने लोग बोलेंगे? 9 लोग, 10, 11 लोग, 12 लोग को लगता है कि एसी खतरनाक है, 17 लोग को अब लग रहा है एसी खतरनाक है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट खतरनाक नहीं है। हम आपको एक बात और बता देते हैं, आप डायरेक्ट करंट में चिपक जाते हैं, एसी में झटका लगता है, दोनों में अंतर है। हाँ, ऐसा भी लोग मानते हैं कि खतरनाक के लिए, 17-18 लोग को ऐसा लगता है कि एसी है, सो हम वही नंबर काउंट कर रहे थे आपके लिए। तो आपको बता दें कि एसी है तो सही में खतरनाक है, और डीसी उसकी तुलना में अगर इंपैक्ट वाइज बोला जाए तो डीसी कम खतरनाक है, एसी ज्यादा। किसी एक लड़के को 220 वोल्ट एसी लगा और किसी एक लड़के को 220 वोल्ट डीसी लगा, डायरेक्ट करंट का वोल्टेज एक को 220 है, एक को 220 है, एक एसी एक डीसी। तो जिसको 220 वोल्ट एसी लगा है, असल में उसको 310 वोल्ट लगा है, और अप्रोक्स बोले 310, लिखा हुआ 220 लेकिन उसको लगता है 310 के आसपास। जिसको डीसी 220 लगा उसको 220 ही लगा, यानी एसी में जितना दिखता है उससे ज्यादा लगता है, इसीलिए माना जाता है कि एसी ज्यादा डेंजरस है। ऐसा क्यों है, क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे भी जान जाएंगे इसी चैप्टर में, दो ही क्लास के अंदर। तो लिखिएगा, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। नेक्स्ट, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अब पॉइंट नंबर को पता नहीं है कितना बोले जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मौर्य जी, हाथ आप गिरा ले अगर काम हो गया तो। हाँ, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी के बाद आगे, एसी को हम दूर तक भेज सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि वायर का, अगर आपको करंट भेजना है या पोटेंशियल भेजना है दूर तक, दूर तक भेजने के लिए अल्टरनेटिंग करंट ही दूर तक भेज सकते हैं। डीसी भेजने में पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एसी में अगर आप हाई वोल्टेज पर भेजिएगा तो पावर लॉस बहुत कम होता है। हाई वोल्टेज पर क्यों भेजते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी, विदाउट मच पावर लॉस, पावर लॉस तो होगा लेकिन पावर लॉस कम होगा। तो ये इसका फायदा है। लिखिएगा, शुरुआत में जब आपका ये एडिशन आए थे, और एडिशन के साथ वो थे टेस्ला, जो टेस्ला बेचारे भुखमरी में मर गए लास्ट में, और एडिशन तो एसी में गए एकदम। तो एडिशन जो थे वो थोड़ा पॉलिटिकल आदमी थे, पॉलिटिक्स भी संभालते थे। आप लोग तो कई तरह कहानी उसका डिस्कवरी सब में देखे ही होंगे, तो उसमें दिखाया भी है आपको कि एडिशन है सो कुछ खास लोगों के लिए ही, बस चाहते थे कि उनके मोहल्ले में बिजली आए, या उनको कुछ खास वर्ग के बड़े लोग, अमीर लोग को ही लाइट मिले, और इसीलिए वो डीसी के समर्थक थे। और अल्टरनेटिंग करंट का पहली बार बात या कुछ करने वाले टेस्ला थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाना चाहा। उनका कहना था हर आदमी को मुफ्त में बिजली मिले, लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स खेला गया उनके साथ कि डीसी एसी को खतरनाक बताया गया, प्रैक्टिकल नहीं बताया गया और कुछ भी। और डीसी को एक छोटा सा इलाका में ट्रांसफॉर्मर जैसा सेट करके कुछ ही लोग कुछ ही दूरी तक करंट दिया जाता था डीसी से, एडिशन के चालबाजी थी। तो कई सारे उनके एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाए टेस्ला के, टेस्ला को पैसे नहीं मिलते थे किसी भी शोध के लिए या किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। अंत में टेस्ला किस तरह से हॉस्टल में रह के बड़ा मुश्किल से उनका लाइफ हुआ, तो वो अलग बात है। तो इसीलिए दुनिया कितना बदमाश देख रहे हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, होता है।
खुद आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरा का पैर खींचेगा। तो लिखिएगा एसी को हम लोग दूर तक भेज सकते हैं, डीसी को नहीं। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस, विदाउट मच पावर लॉस। देखा, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस। ओके, तो आप इतना समझ गए। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ तक आप सब कुछ मिला लीजिए, कुछ बोलना है तो व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे चेक कर लें। कुछ नहीं बोलना है तब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में भैया, लास्ट में कुछ नहीं है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, लिपि, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस, विदाउट मच पावर लॉस। चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातों की। डिंपल क्या बोल रही हो भाई, फिर से कुछ मैसेज आया तुम्हारा? ये तो भी आपको इंट्रो ही था, लेकिन इस पे ही तीन चार सवाल बन गया एक्चुअली आपका, जो आप अभी आपका इंट्रो ही हम बोल दिए, लेकिन इस पे तीन चार सवाल बन गया। आभा रिपीट करने बोल रही हो अभी फिर से, कुछ तो बोले ही नहीं। डिंपल अभी भी हाथ क्यों उठाई हुई हो? एसी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस। अब ध्यान सुनिएगा, अल्टरनेटिंग करंट, कोई भी करंट दो हिस्सों में बढ़ता है आपको पता है, चाहे वो अल्टरनेटिंग हो चाहे डायरेक्ट हो। अल्टरनेटिंग में ही बताए थे, डायरेक्ट में बताए थे आपको, अब अल्टरनेटिंग बता रहे हैं, डायरेक्ट में बताए थे। अल्टरनेटिंग करंट को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को दो हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? नंबर वन इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, एंड नंबर टू इज योर डायरेक्ट करंट। समझिएगा, बोर्ड के लिए जरूरी है ये सब, और बोर्ड के आगे भी आप एग्जाम में बैठोगे उसके लिए भी। तो नंबर वन इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, नंबर टू इज योर डायरेक्ट करंट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, और एक टाइम इंटरवल के बीच में जो करंट होता है वो होता है एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को लिखने का तरीका है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक पी ए के पीक या मैक्सिमम करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। डायरेक्ट करंट को लिखने का तरीका है I, डायरेक्ट करंट को बोल रहे हैं, देखो हम क्या लिख दिए, हम लिख दिए इंस्टेंटेनियस करंट एंड डायरेक्ट करंट, यहाँ लिखा था एवरेज करंट। मेरा भी ध्यान दो जगह बैठा हुआ है। एवरेज करंट, करंट दो तरह का होता है, नंबर वन इज योर इंस्टेंटेनियस, नंबर टू इज योर एवरेज। अल्टरनेटिंग करंट के भी दो, जैसे डीसी के भी दो थे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज करंट किसी टाइम इंटरवल के लिए होता है, तो एवरेज करंट को आई के ऊपर आप बार लगा के दिखा सकते हो, बार का सिंबल। Average current is given by integral of I into dt divided by dt. जो भी time के लिए पूछा है वो time interval 0 से t. तो ये आपको ध्यान रखना है, average हम कभी भी बताया पहले, तो जित करंट जितनी देर के लिए है वो by total time, तभी average निकलता है। तो formula याद रखिएगा, किसी भी चीज का average ऐसे निकलता है I into dt by total time, velocity v into dt by total time, पहले भी निकाले हुए हैं हम लोग, तो I into dt by total time। तो इस पे कैसे सवाल बनता है वो सब सुनने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको हम बताने वाले हैं एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट का वैल्यू कितना होता है। देखो, एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट का वैल्यू कितना होता है? एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है? देखिए,
सेल्स एवरेज करंट का फॉर्मूला, एवरेज करंट का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ आई डी टी बाय डी टी लिमिट वेयर फ्रॉम जीरो से टी, लिमिट वेयर फ्रॉम जीरो से टी। ठीक है, कोचिंग खुलने वाला है जल्दी ही, और जल्दी ही आप लोग कई लोग आएंगे अब कोचिंग में नए नए, ध्यान रखिएगा कोचिंग नया खुलेगा तो आपका जो बैच चल रहा है उसी के आगे पढ़ाई होगा। नए बच्चे जो भी जुड़ेंगे हमसे या जो चाहेंगे कि आपको पहले से बताइए, चाहे जो ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं उनका बैच अलग होगा और उनका फी भी अलग होगा। नए और उनका फी पहले एडवांस रखवा के, आपका फी 8,000 रहेगा चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उनका फी 10,000 होगा चाहे उसको पढ़ना हो चाहे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जो भी ऑनलाइन है वो हमसे किसी ना कहीं तरीके से हमको बताते रहिए कि आप हैं जुड़े हुए, हम सबको पहचान तो गए हैं, एक दूसरे में आपको सब करेंगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी आपका पेमेंट स्लिप आप रखिएगा या जो भी स्क्रीनशॉट है, ताकि सबूत तो हम सब मेरे पास भी है ही कि आप लोग सब पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा बच्चा बोले कि हम ऑनलाइन में थे आपको देखते नहीं थे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो होना ही होना है, बुक टू से पहले ही हो जाएगा। और बच्चे हैं तो फिर एंट्री मार के आप ही लोग दोबारा आइएगा ऑफलाइन में, आप बोलिएगा भैया हमको ये चैप्टर दिक्कत है पढ़ाइए, तो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा आदमी जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है हमसे ऑनलाइन में और आके बोलेगा भैया हम ऑनलाइन में थे लेकिन हमको ये चैप्टर दिक्कत है ये नहीं समझ में आया, शुरू वाला बैच में घुस जाएगा, तो वो झूठा होगा ना। मेहनत आप कर रहे हैं, डाटा नेटवर्क गलत आप भेज रहे हैं, और बाद में कोई ऑफलाइन हुआ तो आप मस्ती में कोई आएगा, आएगा बहुत लोग आएगा हमको पता है, बहुत मतलब जो भी है 40-50 जो भी लोग आएंगे उनकी बात करें तो। अब हम इस बार सोच लिए हैं नए बच्चों को तो भाई सीधे एंटरटेन नहीं करना है, आना चाहेंगे पहला दिन उनसे पेमेंट रखवा के सीधा सीधी उनका पेमेंट आपसे 2,000 ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सब ऑनलाइन में जुड़े हैं तो आपको कुछ तो फायदा होगा ना, और ऑनलाइन क्लास हमारा डाउट के लिए सबके लिए आप ही के लिए जारी रहेगा, दूसरे बच्चों के लिए नहीं। जो हमारे साथ सब समय था, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में सब समय जो टिका रहा, बाद में भी सारा फायदा उसी को मिलना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो बोर्ड एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक आपके इवन मेंस एग्जाम और मेडिकल एग्जाम तक भी आपके डाउट्स को या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से जारी रखेंगे हमेशा, चाहे ऑफलाइन शुरू भी हो जाए। तो बोर्ड एग्जाम में भी रात जैसे गैप मिला, कोचिंग तो पहले खत्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले आपका, उसके बीच में भी हम हमेशा क्लास डाउट डालते रहेंगे और ऑनलाइन चलता रहेगा आपका ये, ठीक है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ये वाले जो बोर्ड पर है वो एक बार बता दीजिए, अभी कुछ लिखे नहीं है साक्षी, दोबारा हम बोल ही देंगे वैसे, और वैसे तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। तो करंट दो तरह का होता है, हम यही बोले थे, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस करंट का एक टाइम फिक्स होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एवरेज एक टाइम इंटरवल के लिए होता है, इसलिए बोलेंगे आई डी टी बाई डी टी। सवाल है कि एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल में कैसे निकालेंगे, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला आई ऊपर बाय आई डी टी बाई डी टी, सिंस I बराबर फॉर्मूला हम क्या बोले लिखने के लिए I not sin omega t, ठीक है। देखो यहाँ कंप्लीट बड़ा वाला t लिखे हैं, कंप्लीट साइकिल को बड़ा वाला t लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो I की जगह पे लिखेंगे I not sin omega t into में dt by में dt की जगह पे हम t, dt कंडीशन t क्यों डायरेक्ट लिख दिए पता है ना, dt कंडीशन तो t होता है लेकिन लिमिट डालोगे ना जी 0 से t तक, 0 से t तक, ठीक है। I not constant बाहर, dt का अपर लिमिट t, t लोअर लिमिट 0, तो बाई में t ही बचेगा, अंदर में सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा sin omega t into dt 0 से t, ठीक है। I not by t, sin theta का इंटीग्रेशन होता है cos theta, लेकिन क्या sin होता है आपको पता है ना, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos omega t, पता है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी इनटू में वो डिवाइड में आ जाता है। क्यों आता है डिवाइड में जरा बताइए, क्योंकि इंटीग्रेशन रूल याद है ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में आता है, डिफरेंशिएशन वो इनटू में आता है। रिपीट, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, हम लिख दिए, और टी के साथ जो इनटू में था वो डिवाइड में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। बोर्ड के लिए नहीं है ब्रह्मानंद, आपका मैसेज हम पढ़ लिए, हम आपको इसका फोटो खींच कर भेज देते हैं, ठीक है। आज मैं नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, अगले दिन से हम ऑफिस जाएंगे ब्रह्मानंद, वहां से पढ़ाएंगे, नेटवर्क सही नहीं रहा है यहाँ तो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सुनो, जीरो से लेके अपर लिमिट टी तक आई नॉट बाई ओमेगा इंटू टी, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, लेकिन जब माइनस होता है उस माइनस को प्लस बदल रहा है तो पहले लोअर फिर अपर, कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी, आप समझ में आया क्या किए हम, पहले लोअर लिमिट क्यों डाले ताकि माइनस को हटा सके, पहले अपर डाला था फिर माइनस, तो फिर माइनस इंटू वही हो जाता है ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिए, ठीक है।
अब आप सब जानते हैं सिंस पी बराबर होता है 2π/ओमेगा, सुना है आपने टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, ये कोई नया बात नहीं बताएं, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा या ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना पाई 2π, तो जहां जहां ओमेगा टी दिख रहा हुआ कितना पाई डाल सकते हैं हम लोग 2π डाल सकते हैं, थोड़ा सा जगह ले ले रहे हैं आई नॉट बाय 2π कॉस 0 माइनस कॉस 2π। आपको जानना होगा cos 0 का वैल्यू 1, cos 2π का वैल्यू भी 1, उस हिसाब से ये दोनों कैंसिल और ये वैल्यू आ गया 0, therefore एवरेज करंट का वैल्यू कितना आ गया 0। हम इसका फोटो खींच के भेजते हैं फिर समझाते हैं दोबारा, जिसको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है वो अपने व्हाट्सएप में जाए और एक बार क्वेश्चन को देखे जो भेजे अभी, सब लोग जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा है साफ साफ उनके पास बोर्ड का क्वेश्चन चला गया आंसर। इसमें असल में हमने क्या प्रूफ करना चाहा, हमने प्रूफ करना चाहा कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आपको दिख रहा है एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल पे देख लीजिएगा, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है IdT/dt, लेकिन टाइम इंटरवल 0 से लेकर टी तक, 0 से कैपिटल टी तक, आई का वैल्यू ये वाला लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिट कर दीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा लिमिट 0 से टी तक, ऊपर से आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, नीचे से डी टी का इंटीग्रेशन टी का अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0 तो टी ही बचा, साइन का इंटीग्रेशन आप देखिए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और टी के साथ ओमेगा है इसलिए डिवाइड में भी ओमेगा लाना पड़ा हमको, और आपको यहाँ किनारे में देखिए सबसे किनारे बोर्ड में टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π/ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू 2π, तो जहां ओमेगा टी है वहां पे 2π डाल दिए, अपर लिमिट पहले डालते हैं फिर लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, cos 0 का वैल्यू 1, cos 2π का वैल्यू भी 1 और 1 कैंसिल हो गया, एवरेज करंट 0 हो गया, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0, देख रहे हैं एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। आप बोलिएगा इसमें क्या नया बात था, ये तो हम भी जान रहे थे कि आधे समय प्लस है और आधे समय माइनस है तो एवरेज करंट को तो 0 होना ही होगा, ध्यान से ये क्लास से सवाल बनेगा ही बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस क्लास पे, तो स्कूल जाना सीधे सर्किट पे कूद जाइएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा, बोर्ड एग्जाम खराब कीजिएगा, तो आधे समय प्लस आधे समय माइनस होता है, एवरेज करंट क्या होता है टोटल करंट को जोड़ते हैं फिर टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो जब प्लस को माइनस से जोड़िएगा इक्वल वैल्यू तो आंसर कितना आएगा 0, तो उसी को प्रूफ करने बोलेगा तो प्रूफ ऐसे करेंगे, देख लीजिए ऋषिकेश cos 2π इज माइनस 1, नहीं ऋषिकेश cos π इज माइनस 1, देखो ऋषिकेश 1π 2π cos 2π प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos आपका नेगेटिव होता है समझने के लिए बता रहे हैं, या आप नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ जाओ तो cos 0 1 होता है, तो cos 2π इज नॉट माइनस 1 ऋषिकेश cos π इज माइनस 1, ठीक है ऋषिकेश बायो है शायद तुम्हारा तभी ऐसे सवाल किए हो, कोई बात नहीं बायो के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बायो है ऋषिकेश तुम्हारा, अगर आप मैथ्स हुआ तो अपने आप को दो थप्पड़ मारो वहीं पे अपने आप मेरी ओर से थप्पड़ मतलब प्यार वाला है जो वाला, टी का वैल्यू कैसे आया श्रुति का सवाल, एक टाइम पीरियड है 0 से टी, एक टाइम पीरियड एक कंप्लीट, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप बहुत पहले जानते हैं, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा 11th क्लास से ही जान रहे हैं, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा, एक सर्कल को पूरा चक्कर काटने में डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2πr और v बराबर r ओमेगा, r कैंसिल तो बचा 2π/ओमेगा, याद आया 11th क्लास वही है, साइनोसॉइडल में साइन का फंक्शन में 2π होता है आपका टाइम पीरियड के लिए, याद है ना ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, अगर भूल गए तो आप ही लोग का मैसेज पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बोर्ड के लिए प्रमाण हम तो आपको भेज दिए ओके, और कोई किसी से डाउट नहीं, निशांत ये सी डायनेमो का ही क्वेश्चन है ना, कौन सा निशांत, हाँ निशांत पहला हिस्सा एसी डायनेमो का है लेकिन दूसरा हिस्सा टॉ लिखा है कि टी लिखा है, हाँ ये 8 नंबर आसानी से बन जाएगा तुम्हारा निशांत, इस पे हम टॉ समझ लिए थे इसको, हम इसको क्वेश्चन देखे नहीं है सुबह से निशांत, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट बन जाएगा, जो तुम टी लिखे उसको हम टॉ समझ लिए, टॉ याद होगा टाइम कांस्टेंट, तो हमको लगा कि तुम हमसे टाइम कांस्टेंट का सवाल पूछ दिए हो, अगर ये सब अभी तक हम सवाल पढ़े नहीं है लिटरली बता दें ये हम बना देंगे, ठीक है अभी हम सवाल बनवाएंगे ऐसा ही सवाल सब बनवाएंगे चिंता नहीं करो, यही सब सवाल अभी बनवाएंगे, हाँ उसी का सवाल है डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें मेहनत नहीं है, ये नॉर्मल सवाल है, हमको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल, तुम बोला ना बी और सी तो हम सीधे बी पढ़े,
तो उसमें टाउ दिखा ये टी के जगह, बल्कि ये टी है, तो ये सिंबल के चलते हम मिस्टेकली इसको लेंगे। हाँ ठीक बोले निशान, हम भी सोचे कि हाई लेवल क्वेश्चन है तो अभी नहीं बताना है इसको, इसलिए तुम बोले कि ना इसको मत पढ़ो, ये उसी का डायनेमो का नॉर्मल सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपको हम मिटाने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आपको मिल चुका है। तो प्रॉब्लम ये हो गया यहाँ पे, ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगा, दूसरा मीटिंग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको आरएमएस करंट, फॉर्म फैक्टर ये सब जानना है तो आपको सेकंड मीटिंग में रहना होगा। जो उसमें मत आ जाए कि एक मीटिंग पढ़ लिए हो गया, तो वैसे लोग तो क्लासे छोड़ दीजिए, हम आपको देख लेते हैं कौन कौन क्लास में है, बाद हमको याद रहे कि आप लोग रहते हैं क्लास में, क्लास में रहिए प्लीज। और प्लीज अपना पेमेंट सब लोग कंप्लीट कर दीजिए, ईमानदारी रखिए, कंप्लीट कीजिए, जो भी जितना भी हो सके उतना ही कंप्लीट कीजिए। हम कोरोना में कई लोगों का काम बंद है, कई लोगों को वेतन नहीं मिला, वो लोगों को बोले हैं अभी हाल में जो, ठीक है एक दो क्लास पहले जो बोले बात की है, लेकिन जो बहुत पहले बोले थे फिर अभी तक बात नहीं किए हैं उनके लिए तो गलत बात है, क्लास करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जान लीजिए बोर्ड एग्जाम है आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए हमसे बात करके सच सच बोल के रहिए, ये नहीं कि छुपे छुप छुप के रहिएगा तो कोई फायदा नहीं, फिर हम कोई दिन अपने आप हटाएंगे, आपको भी नहीं ठीक लगेगा हमको भी। मीटिंग को एंड करते हैं, ये मीटिंग को एंड कर रहे हैं क्योंकि अगला टॉपिक हम अगले मीटिंग से बोलेंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग में आप सब मिलिए, थोड़ा ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये मीटिंग 2 मिनट है बचा हुआ, तो क्यों नहीं आती शुरू करें।